सभी भाई बहनों को मेरा राम राम और नमस्ते। आज मैं जुगाड़ बनाना बनाना है मेरे को, आज जुगाड़ बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मेरे को चाहिए दही। वैसे तो हम लोग बाजार में जुगाड़ पैक भी बहुत मिलते हैं और उनमें सब चीनी ज़्यादा रहती है, पर हम दही घर में जमाएंगे और घर पर ही इसको बनाने का सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने दही जैसे सिंपल सा दही जैसे हम लोग रोज जमाते हैं उसी तरह से दही जमाया है हमने। अब ये मैं कप के हिसाब से ये देखो इस तरह से मैंने एक कप भरा, इसमें डाल दिया, ये पानी झर जाएगा हमारा। इसको आप कपड़े में भी लगा सकते हो, कपड़े में लगाओगे तो आपको लटकाना पड़ेगा। तो ये 4 गिलास दही डालिए हम। अब इसको मैं कम से कम 1.5-2 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे। इस तरह से नीचे से पानी फिर जाएगा, ऐसे बूंद बूंद पानी जमा हो जाएगा या दही एकदम बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब हम इसको ढक देते हैं, इसको ढक देंगे 1.5-2 घंटे के लिए। तो एकदम ये टाइट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। इसका पानी भी हम फेंकेंगे नहीं, हमारे काम आ जाएगा। इसको छाछ भी बना सकते हैं इसके पानी को, और हम सब्जी में भी डाल सकते हैं, कुछ भी काम कर लेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे 2 घंटा हो गया दही को, इसमें इतना पानी भी निकल गया है दही में से, अभी इतना टाइट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से टाइट हो गया, ये जैसे हम रोज जमाते हैं उसी तरह से दही जमाया हुआ है। अब हम इसको जो मोटा दही हो गया हम इसको इसमें निकाल देते हैं। इस पानी को हम फेंकना नहीं है, ये हमारा दही का ही पानी है। सब्जी में ग्रेवी में लगा सकते हैं इसको काम, छाछ बनाने के लिए भी हम इसको यूज ले सकते हैं, कढ़ी में भी किसी भी तरह से हम इसको यूज ले सकते हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी ये मिल्क पाउडर, एवरीडे का एवरीडे नेस्ले का ये एक मिल्क पाउडर। मैंने इसमें 4 चम्मच इसमें मैंने 4 चम्मच डाला था, उसी हिसाब से मैं इसमें 4 कप डाला था इसमें मैंने दही, 4 कप, 1 बस इतना ही मेरे को ये मिल्क पाउडर इसमें ही डालना है। जितना हम कप दूध दही लेंगे उतना ही कप उतने ही चम्मच से हम अब 1 चम्मच में इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी। अगर आपको इच्छा नहीं हो तो आप अगर पसंद नहीं करें मीठा तो आप मत डालिए, और वैसे आपको इच्छा हो तो ज़्यादा कम वैसे भी कर सकते हो चीनी, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच ही चीनी डालूंगी। ये चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो, कम वैसे भी कर सकते हो। ये हम एकदम मिक्स कर लेते हैं कि खाने में हेल्दी तो भाई टेस्टी भी है, अभी गर्मी के मौसम के लिए बहुत अच्छी चीज है। दही में अपने आप में प्रोटीन है, दही हमारे शरीर में बहुत तरह से फायदा करता है दही खाने से, और इसके साथ में हम जब फल भी खाएंगे तो वो और अच्छा रहेगा। तो आपसे जरूर से गर्मियों में बनाओ खाओ, और बच्चों को भी टेस्टी टेस्टी खिलाइए, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। वैसे बाजार में भी मिलती हैं, लेकिन बाजार से ही आप खुद बना के खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना टाइट हो गया है एकदम से। ये मैंने हरे बादाम रखे हैं, इस तरह से बादाम आती हैं आजकल बाजार में, इसके में से ऐसे आप छील लो, ऐसे ऐसे छील करके इसके अंदर से बादाम निकल जाएंगे, और ये बादाम हम खा लेंगे। इसको पानी में नहीं भिजाएंगे ना तो ये लाल हो जाते हैं, तो ये मैं बादाम भी डालती हूँ इसके अंदर पानी में भिजाया हुआ। ये आम रखे हैं काट के छोटे छोटे, बहुत टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है टेस्टी भी है, और गर्मियों के लिए गर्मियों से राहत मिलने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है।
फल तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको पसंद हो वो फल डाल सकते हो उसमें आप। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। एकदम सीधा है, बहुत मेहनत भी नहीं है। जैसे हम रोज दही जमाते हैं उसी तरह से हमने दही जमाया है। और बस दही को थोड़ा सा पानी निकाल दिया तो मोटा हो गया, और इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर डाल दिया, टेस्ट के हिसाब से चीनी भी डाल दिया, हमने फ्रूट डाल दिया। फ्रूट तो कई तरह के आते हैं, कोई भी सीजन में आप इसको बना सकते हो। हर सीजन में हर तरह के फूल आते हैं, स्वाद वाले आते हैं, आप अपने तरीके से इसको टेस्ट के साथ बनाइए। अब देखिए मैं इसको, ये देखो बनकर रेडी हो गया है हमारा। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है एकदम। अब मैं कटोरियों में डाल रही हूँ। आप इसको किसी समय भी खाइए, सुबह शाम दोपहर को भी कभी भी खाइए, भोजन के साथ में खाइए, आगे पीछे खाइए, जब आपकी इच्छा। इस तरह से आप योगर्ट तैयार हो गया हमारा खाने के लिए। ये मैं सुंदर लगेगा इसके लिए मैंने चेरी लगा दी है। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार करिए, खाइए, खिलाइए अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, और बताइए मेरे को आपको ये आइडिया कैसा लगा योगर्ट का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार से नहीं मंगा के आप घर में बनाइए, बहुत आसान चीज़ है और हेल्दी भी है, अच्छी भी है। अपने मनपसंद के फलों पे से आप बनाइए, इसको खिलाइए। धन्यवाद।